नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक नया दिन है टोक्यो में और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, वहाँ से फिर मैं जाऊँगा साइट 3 में। मैंने उसकी बुकिंग करा रखी है तो सोचा कि पहले ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और आपको अपना सफ़र दिखा दूँगा। चलिए मेरे साथ। ये भैया अभी स्काई ट्री लेके जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। 10 बजे की बुकिंग है अभी पौने 10 में, ताकि मैं जल्दी पहुँच सकूँ। भैया कह रहे मैं फटाफट तुम्हें लेके जाता हूँ अभी यहाँ पर। बस कुछ ही देर में स्काई टावर जो है मैं पहुंच जाऊंगा। आप देखिए भैया कहाँ लेके जा रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पे लोग अंकल बनी आ रहे हैं, ये लगता है नेक में पेन है। यहाँ पे और बड़ी सारी चीज़ें हैं, ट्रैफिक हो रहा है। यहाँ पे लोग अपने काम से काम रखते हैं, मस्ती में मस्ती है यहाँ पे। देखिए जापान में रोड क्रॉस करने का तरीका बहुत निराला है। यहाँ पे आप ये आप बटन बना हुआ है, इसको जब आप प्रेस करते हो तो इसमें से एक बीप साउंड आता है और ये आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है। देखिए मैं यहाँ पे अपनी वेट कर रहा हूँ कि ताकि मैं सड़क क्रॉस कर सकूँ। तो जैसे ही ट्रैफिक खाली होगा ये ग्रीन हो जाएगा। देखिए ग्रीन हो गया, सब लोग जा रहे हैं अपने काम पे मस्ती लेने, हम भी जा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ से अभी स्काई टावर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। बट अभी मैं लेट हो रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं ये इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, मुझे इतना पता नहीं है, पिछली बार मैंने देखा नहीं था, इस बार सोचा कि देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ अपनी नज़रों से, बढ़िया सा ब्लॉग बनाया जाए इसके बारे में। तो अगर आप भी चैनल पर नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखिए तो बोलते हैं मेहनत एक दिन तो रंग लाएगी। तो पहले तो मैं बोल नहीं पाता था वीडियोज़ में, मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत प्रैक्टिस करी कि मैं बोल पाऊँ। वैसे मैं इतना नहीं बोलता बट वीडियोस वगैरह के लिए मैं बोल लेता हूँ। ये स्काई ट्री जाने का जो तरीका है काफ़ी डिफरेंट है। आपको पहले एक जगह से एंट्री लेनी पड़ेगी, वहाँ पे जाके आपको अपनी टिकट कलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं आधे पौने घंटे पहले निकला था ताकि मैं 10 बजे पहुँच जाऊँ, बट 10:15 तो यहीं हो गए हैं। बाकी पता नहीं देखो क्या बनता अभी, ताकि आप अपनी टिकट वगैरह ले सकते हो। दीदी अपनी फोटो वोटो खिंचवा रही है, खुश है हमें जो है, खुश है हमें, अब भी खुश है। देखिए दिखा रही है अभी जो लिफ्ट है वो कितने मीटर ऊपर है, अभी 350 मीटर ऊपर है। अब देखिए नीचे आ रही है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे हुए, मैं भी लाइन में लगा हुआ। अब जो अगला नंबर आएगा लिफ्ट का उसके अंदर मैं जाऊँगा। सारे लोग उतर रहे हैं, आपको सोचा कि दिखाया जाए, आपको दिखा रहा है कि कौन से फ्लोर पे है। 350 फ्लोर पे, सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे लगा कितना मीटर है, ये कौन से फ्लोर पे पहुंची है। टॉप डेक जो है वो 350 फ्लोर पे। अभी दीदी बातें कर रही है, बता रही है कि देखिए अभी सारे लोग लिफ्ट के अंदर बैठ गए हैं। मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि जो लिफ्ट है वो कितनी ही स्पीड से ऊपर जाती है। आप भी देखिए, इसलिए स्क्रीन है यहाँ पे दिखा रही है कितनी ऊपर जा रही है। देखिए अभी मुझे एक काफ़ी ऊपर ले आया, यहाँ पे लोग बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, कुछ आप लोगों को भी दिखाया जाए, आप लोगों को भी अपनी वीडियो में शामिल किया जाए। देखिए देखिए इसमें पूरा टोक्यो शहर दिख रहा, सोचा आप लोगों को दिखाया जाए और आपको इसका आनंद उठाया जाए। देखिए इतना ही बढ़िया लग रहा है, दूर से लोग जो आए हैं काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे, मैं भी दूर से ही आया हूँ। देखिए इतना अच्छा लग रहा पूरा टोक्यो, आप देख सकते हो। तो जूम करके दिखाता हूँ, बचपन में किसी ने मुझे एक पज़ल दिया था, उसमें पूरी सिटी ऐसे बना रखी थी। आज ये देख के मेरे को वो बचपन वाला दिन याद आ गया। पज़ल तो मेरे से सॉल्व हुआ नहीं बट हाँ वो एक आंटी ने दिया था।
देखिए टोक्यो शहर कितना ही बढ़िया लग रहा है, मैं आपको सोचा दिखाऊं। देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है वो शहर ही शहर है, कितना बढ़िया है। देखिए वहाँ पे टोक्यो टावर भी है, देखिए यहाँ से नदी में क्या बोट जा रही है, क्या देखिए यहाँ पे तो ज़्यादा ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, मैं बस आपको इस वाले फ्लोर से दिखाता हूँ। देखिए शहर है, साथ में नदी है, आप लोग अपने काम पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ मैं वीडियो, आपको सोचा दिखाऊँ मैं। यहाँ पे ना एक्चुअली साउंड है तो कॉपीराइट ना आ जाए, तो सोचा कि जितना दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखा दूँ, और जो भी हो मैं आपको लगे कि रोहित भाई दिखा रहा है, रोहित भाई भी आपका भी बीच में आ रहा है, ताकि आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पे एनीमे के बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, अब होपफुली यहाँ पे कॉपीराइट वगैरह ना आए, ताकि यार जितनी भी मेहनत करी हो वेस्ट ना हो जाए। देखिए आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए सिटी का बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है, देखिए आपको दिखाया जाए, मज़ेदार है काफ़ी। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ वहाँ तक है टोक्यो की सुंदर सी सिटी आपके सामने। देखिए यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा है, कान मेरे बंद हो गए यहाँ से, ये भाई कह रही हैं फिर जाओ यहाँ से अपने काम पे जाओ। रोहित भाई देखिए यहाँ बता रहे कि कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का, आपको जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से सुविनियर वगैरह भी मिलते हैं, अगर आपको सुविनियर लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हो। मैं भी देखता हूँ क्या है, आपको दिखाया जाए मैं यहाँ से क्या क्या ले रहा हूँ, क्या है नहीं क्या है। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और बढ़िया वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।